एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रेखा मिश्रा और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। सो आपने इस अटायर से गेस कर लिया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। वैसे मैं फिर से भी बता दूं, खुद से भी तो बताना चाहिए ना, मैं बता रही हूँ। तो ये जो ब्यूटीफुल सी साड़ी है, इसके बॉर्डर आप देख रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा पतला बॉर्डर है। तो ऐसे पतली बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ हैं आजकल, वैसे भी बहुत चौड़ी बॉर्डर कोई नहीं खरीदता, सब ऐसी पतली बॉर्डर ही खरीदते हैं। तो इन साड़ियों को कैसे स्टाइल किया जाए, कैसे पहना जाए कि ये और भी ज़्यादा अच्छी लगे, सो मैंने कुछ स्टाइलिंग, मतलब आप कह सकते हो मैंने रिसर्च किया, कुछ खुद से ढूंढा, कुछ कहीं से ढूंढा और खुद मेरा है कुछ। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी स्टाइलिंग की, उस हिसाब से कुछ स्टाइल जो है वो इस पर्टिकुलर साड़ी पर बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा इसका मैं अलग से एक वीडियो बना लूँ कि इस तरह का अगर साड़ी आपके पास है पतले बॉर्डर वाला, तो आप उसको किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं परफेक्टली, जिससे वो और भी ज़्यादा अच्छी दिखे। सो मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिए हैं, अब बहुत सारे मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग अपलोडेड हैं। अभी धर्मशाला वाला ब्लॉग आना बाकी है। आई होप जैसे आपने ये वाले ब्लॉगों को देखा है उसको भी ज़रूर देखेंगे, और प्लीज़ देखिए, भर भर के प्यार दीजिए। एंड आपको कोई भी चीज़ अगर चाहते हैं आपकी मैं स्टाइल करूँ, लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर टॉप का कलर हो, या फिर कोई पैंट हो, या फिर सिर्फ एक कोट हो, या कुछ भी आप चाह रहे हैं कि मैं उसको स्टाइल करके दिखाऊं, या फिर कोई साड़ी हो किस नए ढंग से स्टाइल करना है, कुछ भी चीज़ अगर आपको चाहिए कि मैं उससे स्टाइल करूं, तो प्लीज़ अगर वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं ज़रूर स्टाइल करूंगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं। तो अब चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने साड़ी को एक राउंड से टक इन कर लिया है, अब हम बनाएंगे आँचल। तो इसका आँचल थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि ये पतले बॉर्डर वाली साड़ी है। तो हम इसे क्या करेंगे, जो बॉर्डर्स है उसे हम ओवरलैप ना करके हम साइड बाय साइड रखेंगे। तो पहले हमें ऐसे उल्टा कर लेना है आँचल को, और जहाँ आपका बॉर्डर ख़त्म हो रहा है वहाँ हमें एक सेफ्टी पिन लगानी है। सो आपने सेफ्टी पिन लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा आपका आँचल। तो अब हम आँचल बनाएंगे, तो आप जितना भी फैब्रिक है उसे इस तरह से गैदर कर लीजिए, एंड देन आपको सिर्फ थोड़ा सा रफ प्लीटिंग करनी है, एक कॉर्नर पकड़ना है और उसके बाद आपको प्लीट्स बनाने हैं रैंडमली। अगर छोटे बड़े भी हो रहे हैं तो डू नॉट वरी, हम दूसरा बॉर्डर इसके ऊपर लेके आएंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हमने प्लीटिंग की, अब फिर इसके ऊपर मैंने ये वाला बॉर्डर रखा, अब मैं पीछे से पिन लगा दूँगी। तो इस तरह से क्या है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर प्लीट्स बनी है, और ऐसे ही हम आगे भी करते जाएंगे। सो जहाँ तक आपका बॉर्डर जा रहा है आप वहाँ तक ऐसा प्लीटिंग कर लें। सो मैंने आँचल में ये लास्ट पिन लगाई है, अब हम सामने की प्लीटिंग करेंगे। तो प्लीट्स इसमें थोड़े बड़े बनेंगे क्योंकि हम न्यू स्टाइल की ड्रिपिंग कर रहे हैं, तो इसमें प्लीट्स थोड़े से बड़े बनेंगे। सो इस साइज़ का अब मैं प्लीटिंग कर रही हूँ, आप देखो कितनी बड़ी प्लीट्स मैंने बनाई है, और इसी साइज़ में बाकी की भी प्लीट्स हम बनाएंगे। सो आप इसको स्लोली एंड स्लोली गैदर कीजिएगा, जिससे एक भी प्लीट्स इधर से उधर ना हो, सेम इसी साइज़ की आपकी सारी प्लीट्स भी बननी चाहिए। तो इसी तरह से हम प्लीटिंग करते रहेंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी प्लीट्स बना के, और अब मैं जस्ट लास्ट प्लीट लेने वाली हूँ, और बाकी जो साड़ी है वो सामने ही रहेगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये प्लीट्स जो लास्ट वाली है ये मैंने ली, और इसके बाद अब मैं प्लीटिंग नहीं करूँगी, ये प्लीट्स यहीं पर एंड हो जाते हैं। अब इन्हें मैं टक कर दूँगी इसकी जगह पर प्रॉपरली, अच्छे से बस हमें टक कर देना है, जितनी लेंथ आपको लगती है सुटेबल उस लेंथ के हिसाब से इसे प्रॉपरली आप टक कर दीजिए, एंड देयर यू गो, आपका होल जो लुक है वो हो जाता है एकदम रेडी।
सो ये है ऑल न्यू लुक। आई होप आपको ये ड्रेपिंग पसंद आई होगी। बहुत ही इनोवेटिव वे ऑफ ड्रेपिंग है ये, मेरी फेवरेट है और आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट हम धोती स्टाइल ड्रेपिंग कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारा फैब्रिक अपने लेफ्ट में छोड़ दिया है एंड देन मैं ये नॉट बना रही हूँ बीच में, अच्छा टाइट नॉट। एंड देन मैंने अपने लेफ्ट का पोर्शन लिया और इसे मैं अपने लेफ्ट लेग से बाहर निकालूंगी और इसे बाहर की तरफ नापूंगी कि कितना एरिया के बाद मुझे प्लीट करना है। उसके बाद मैं एकदम छोटे छोटे प्लीट्स बनाऊंगी, जिससे आपको मैंने बताया था वॉल्यूम अच्छा आता है इससे। तो मैं छोटे छोटे प्लीट्स बना के पीछे मैंने टक कर लिए। अब जो साइड का पोर्शन है उसी प्लीट का, वो उठा के मैं सामने टक करूंगी, जिससे ये साइड का भी जो पोर्शन है ना वो भी काफ़ी अच्छा दिखे। सो जो फैब्रिक आपको सामने दिख रहा है इसे भी क्या करना है, हमें छोटी छोटी प्लीट्स बना लेनी है। सो जो धोती स्टाइल आपने देखा होगा उसमें ऐसा ही होता है, थोड़ी प्लीटिंग रहती है जिससे कि अच्छे डिज़ाइंस आए सामने की तरफ भी। तो इस तरह से मैंने प्लीट्स कर लिया। आप साइड देख रहे हैं कितना सुंदर बनाया साइड प्लीट्स भी। एंड देन मैंने दूसरा साइड लिया अब, और आँचल वैसे ही बने हुए हैं जैसे मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था, सेम वही आँचल बना हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया उसको। एंड देन मैंने इसे दूसरे पैर से घुमाया। आपको अपने सारे फोल्ड्स सही कर लेने हैं और जितना आपको लेंथ चाहिए, इसमें लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, उस लेंथ के हिसाब से आप इसे पिन कर लीजिए, सारे फोल्ड्स खोल लीजिए। अब ये लूज़ होती है थोड़ी अगर आप ऐसे डालेंगे तो, इसमें भी आपको थोड़ी सी प्लीट्स पीछे बनानी ही पड़ती है जिससे आँचल आपका अच्छा दिखे। सो मैंने पीछे का एरिया देखिए, अब मेरे को कितना एरिया पीछे टक इन करना है उस हिसाब से मैंने नाप लिया है। अब मैं इसे छोटे छोटे जहाँ मेरा बॉर्डर ख़त्म हो रहा है उसके बाद मैं प्लीट करूँगी। मैंने नाप लिया, अब मैं प्लीटिंग कर रही हूँ। अब ये जो प्लीट्स है वो मैं पीछे टक इन कर दूँगी और मेरा ऑल न्यू धोती साड़ी इज़ रेडी। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और कितना ग्रेसफुल दिख रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें बेल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मुझे तो ये इसी तरह से बहुत पसंद है। एंड योर गुड टू गो, आप किसी भी साड़ी इस शादी में इस तरह की इनोवेटिव साड़ी पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट ये ड्रेपिंग बहुत इजी है। तो हमने एक नॉर्मल वे में साड़ी को टक इन कर लिया है, अब हम सीधे आँचल की तरफ चलेंगे। तो आँचल जो है वो मैंने पहले ही बना लिया, सेम वैसी जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था, सेम वैसी प्लीटिंग की है मैंने आँचल की। एंड देन मैं आँचल को अपने शोल्डर पर रखूँगी, जिस हिसाब से आपको चाहिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना पड़ता है जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर ख़त्म हो रहा है वो सामने आना चाहिए। तो मैंने इतना अभी रखा है, फ़िलहाल मैंने पिन नहीं किया है। अब मैं सीधे फ्रंट का पोर्शन बनाऊंगी। तो मैंने पीछे से लाया और आप देख सकते हैं मेरा बॉर्डर नहीं आया, इसका ये मतलब है मुझे अभी आँचल और छोटा करना पड़ेगा। तो मैं अपने आँचल को और छोटा कर रही हूँ जिससे वो लास्ट बॉर्डर जो है वो मेरे वेस्ट पर आए, वो बहुत अच्छी दिखती है अगर वेस्ट पर आती है तो। सो इस तरह से ये मेरे वेस्ट में आ गई है, यहाँ तक मुझे उसे रखनी है। तो यहाँ पर ये मैं या पिन कर लूँगी या तो आप टक इन कर सकते हैं वहाँ पर। एंड देन मैं अपनी अब सामने की प्लीट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। सो जैसे नॉर्मल ड्रेप करते हैं सेम वही, अब हम फटाफट सामने की प्लीटिंग कर लेते हैं। और जितना आपका हैंड स्पैन होता है, आप हाथ को फैला पाते हैं, उतना प्लीटिंग करिए। प्लीट्स बड़े होते हैं तो सामने का पोर्शन बल्कि नहीं लगता है, साड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो आप कुछ इस तरह से प्लीटिंग कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे साइड से प्लीटिंग करनी है, जिस हिसाब से आपको आता है आप उस टाइप से प्लीटिंग कर सकते हैं। सो मैंने इस तरह से प्लीट कर लिया। अब मैं अपने जितने भी प्लीट्स हैं उनको गैदर करूँगी अच्छे से, और थोड़ा सा स्लैंटिंग वे में मुझे रखना है जिससे सामने की साड़ी जो प्लीट्स हैं ना वो अच्छे उभर के दिखते हैं, सामने की तरफ दिखते हैं, एक के ऊपर एक नहीं। तो मैंने थोड़ा सा इसे अरेंज किया, थोड़ा स्लैंट किया। एंड देन अब मैं इसे टक इन करने के लिए रेडी हूँ। अब हमें बस मैंने टक इन करा है इसको, एंड जो आप साइड की प्लीट्स देख रहे हैं अभी वो बनी नहीं है, हमें उसे बनानी है। तो यहाँ मैंने अरेंज कर लिया है एंड देन मैं कर लूँगी टक इन। अब टक इन करने के बाद हमें एक पिन की ज़रूरत होगी जो यहाँ पे सारे साइड प्लीट्स को गैदर करने के बाद हम लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं साइड प्लीट्स को, आप उसको अपने हाथों से ही गैदर करना थोड़ा स्टार्ट करें, थोड़ा सा उसे शेप देना स्टार्ट करें। तो इस तरह से आप पूरे अपने जितने भी प्लीट आपने की है उसको आप अच्छी तरह से अरेंज कर लीजिए, सब पोजिशन में होना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने ये साइड की प्लीट्स आप देख रहे हो मैंने अपने हाथ से थोड़ा सा एडजस्ट की है। एंड देन मैं इसे अपने
प्लीटिंग के साथ, जो मैंने प्लीट की है सामने की उसके साथ मैं पिन कर दूंगी, जिससे साइड का पोर्शन है वो इतना ही अच्छा दिखे। एंड दैट्स इट, ये साड़ी रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय।